ओनली न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी कब जाती हैं बाथरूम? जी हाँ, शायद महिला पर ऐसे सवाल नहीं खड़े करने चाहिए, लेकिन जब एक पत्रकार ने प्रशांत किशोर यानी कि चुनावी रणनीतिकार पीके से ये सवाल पूछा तो पीके ने क्या कहा वो हम आपको बता रहे हैं। किसी भी तरह की किसी भी महिला पर हम टिप्पणी नहीं करते, लेकिन जब खबर है तो आप तक पहुंचानी पड़ेगी। बता दूं आपको, सीएम कब जाती हैं वॉशरूम? साक्षी जोशी ने पूछा था पीके से सवाल, लोग करने लगे पत्रकार को ट्रोल। बता दूं आपको, चैट लीक होने के बाद एक महिला पत्रकार के सवाल को लेकर लोग सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने पीके से ममता बनर्जी के बारे में सवाल पूछा था। बता दूं आपको, क्लब हाउस ऐप पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और पत्रकारों के साथ हुई बातचीत लीक हुई तो भाजपा भी उन्हें निशाने पर लेने लगी है। इसके अलावा एक पत्रकार का सवाल सुनकर सोशल मीडिया पर भी लोग उन्हें ट्रोल करने लगे हैं। दरअसल पत्रकार जोशी ने पीके से पूछा कि इतने बिजी शेड्यूल में सीएम ममता बनर्जी वॉशरूम कब जाती हैं। इसके जवाब में पीके ने कहा कि क्या अब मुझे इसका भी जवाब देना पड़ेगा, और दोनों ही हंस पड़े। पीके को क्या पता कि ममता बनर्जी वॉशरूम कब जाती हैं, शायद उन्हें पता भी होगा तो फिर भी उनकी कुछ पर्सनल ज़िंदगी होती है, कुछ पर्सनल बातें होती जो हमेशा शेयर नहीं की जा सकती थी, लेकिन फिर भी इस पत्रकार ने पूछा है। बता दूं आपको, साक्षी जोशी ने पूछा, मुझे आश्चर्य होता है कि मैं देखती हूं वो हेलीकॉप्टर से उतरती हैं, वो स्टेज पर जाती हैं, वहां कम से कम एक घंटा रहती हैं और फिर हेलीकॉप्टर में चली जाती हैं और दूसरी जगह जाती हैं, इस बीच वो वॉशरूम भी नहीं जाती हैं। मैं तब से सोच रहे हूँ कि हम लोगों को ही 2 घंटे के भीतर कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, क्योंकि इतनी गर्मी है और हम लोग इतना पानी पीते हैं, तो ममता बनर्जी टॉयलेट क्यों नहीं जाती हैं। इस बीच प्रशांत किशोर ने कहा कि क्या मुझे इसका भी जवाब देना पड़ेगा। फिर साक्षी ने कहा, आखिर ये शेड्यूल कैसे बना, मैंने उन्हें कहीं रुकते हुए भी नहीं देखा। यह चैट ट्विटर पर और फेसबुक पर वायरल होने लगा है और लोग तरह तरह के कमेंट लगने लगे हैं। एक यूज़र ने ट्विटर पर लिखा कि इन्हें मुख्यमंत्री के रेस्ट रूम जाने की बहुत चिंता है। तो आपने देखा, एक दिन पहले ही प्रशांत किशोर ने एक वीडियो शेयर किया था, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो बीजेपी की जीत बता रहे थे, और दूसरी तरफ एक और ये मुद्दा आ चुका है, यानी कि प्रशांत किशोर के ही साथ ऐसा कुछ होता नज़र आ रहा है। बता दूँ आपको, कई लोगों ने साक्षी जोशी के पुराने ट्वीट को निकाल कर भी ट्रोल करना शुरू कर दिया। स्वागत हिंदुस्तानी नाम के एक यूज़र ने वह ट्वीट निकाल लिया जिसमें साक्षी ने कंगना रनौत पर कमेंट किया था। इसमें एक वीडियो था जिसमें कंगना शूटिंग के दौरान नकली घोड़े पर सवार थी। साक्षी ने लिखा था, वाकई नेशनल अवार्ड डिजर्व करती हैं। इस चैट में एक हिस्सा भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी पोस्ट किया और प्रशांत किशोर पर निशाना साधा। दरअसल पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में पीके ममता बनर्जी के रणनीतिकार हैं, लेकिन इस चैट में वो कह रहे हैं कि आंतरिक सर्वे में भी भाजपा की सरकार बनती हुई दिख रही है। सोशल मीडिया पर चैट वायरल होने के बाद पीके ने अपने ट्विटर हैंडल से सफाई देते हुए लिखा कि उनकी पूरी चैट सुननी चाहिए, भाजपा 100 के आंकड़े को भी नहीं छू पाएगी। यानी कि लगातार ट्रोल हो रहे हैं पीके, यानी कि पीके पता नहीं कौन सा नशा करते हैं कि वो तो काम ममता बनर्जी के लिए करते हैं, लेकिन कभी न कभी वो बीजेपी के लिए भी राग अलाप देते हैं, जिससे कि कभी न कहीं ममता बनर्जी को भी संदेह हो जाता है कि पीके हमारे लिए काम कर रहा है या फिर पीके नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रहा है। लेकिन आज साक्षी जोशी ने जो कुछ भी किया वो कहीं ना कहीं एक गलत है, यानी वो ममता बनर्जी की पर्सनल लाइफ है, उस पर इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए जिस तरह से उन्होंने किया है। तो स्पष्ट है कि पत्रकारों को भी अपनी पत्रकारिता पर ध्यान देनी चाहिए और इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं कि वो पर्सनल होती हैं और पर्सनल चीज़ों पर इस तरह की टिप्पणी करना सही नहीं है। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और कई बड़े चैनलों को
जो कई बड़े चैनल हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए और उसके बाद इस तरह के सवाल पूछने चाहिए। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि सच्चाई जनता के सामने पहुंचे। और बात कर लें थोड़ा बंगाल चुनाव की, तो बंगाल चुनाव लगातार जारी है, यानी किसी भी तरह की रुकावट नहीं हो रही। लेकिन हिंसा की बात करें तो हिंसा रोज़ाना लोग मारे जा रहे हैं, रोज़ाना ममता बनर्जी सरकार पर सवाल खड़ा कर रही हैं। जिनकी भी हत्याएं होती हैं ममता बनर्जी दोषी बीजेपी को देती हैं कि बीजेपी के जवानों ने, सीआईएसएफ के जवानों ने गोली चलाई, सीआईएसएफ के जवानों ने लोगों को गोली मारी। यानी कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और इन्हीं हत्याओं हिंसा के बीच में चुनाव खत्म होता दिख रहा है। लेकिन हत्याएं नहीं होनी चाहिए, लोगों को इस तरह से हत्या कर देना एक गलत बात है। चुनाव है, चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन ज़िंदगी एक बार मिली है, इसे सांस जीने का मौका दीजिए। लोग किसको वोट दे रहे हैं वो उनकी मर्जी है, जिसे उनकी इच्छा हो उनको वोट दे रहे हैं। जबरन किसी को मार कर वोट लेना ये गलत है और ममता बनर्जी को इस बात पर ध्यान देनी चाहिए। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। बने रहिए ओनली न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।